मानो रो रही है, मानो रोते हुए अम्मा जी। और आज जनाब महनूर जा रही हैं यूके, आज हमारे साथ लास्ट डे है इनका। ओके जी बाय बाय। अपने तासुरात बताएं, कोई तासुरात नहीं है मेरे पास, मानो तब थी। मैं इस चीज को क्लियर करूं कि जब मेरे पास कोई नहीं था, मानो रास्ता मेरे पास तब थी जब मेरे फादर की डेथ हुई। बहुत इमोशनल लोग हैं लेकिन हमें रोना नहीं है। अभी मूवी आई है शादी की, हम बहुत भेड़े लग रहे हैं इसलिए रोना नहीं है। और आज जनाब महनूर जा रही हैं यूके, आज हमारे साथ लास्ट डे है इनका। हाँ जी, कल से हमारे घर जश्न था कल तो मैंने कहा हमारे घर ईद का समा था, इतना ये सब आए थे, सब आए हुए थे, सब के सब। और ऐसे रोने धोने भी, रोने धोना भी हुआ है, लेकिन मेरी शादी की मूवी देखी, एंजॉय भी बहुत किया। ऐसे लग रहा था ईद हो पूरी, ईद मना के जा रही हूँ रमजान शरीफ में। कोई भी नहीं था जो मिसिंग हो, सब माशाल्लाह माशाल्लाह सब आए हुए थे, सब। और मैं तो आनी आलिया रह गई थी और वो आज आ रही है। और मैंने बिल्कुल भी व्लॉग कुछ नहीं किया क्योंकि गेस्ट थे तो मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। हाँ, वो मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया, मानो कि व्लॉग में देखिएगा मैंने किया है। मेरा तो व्लॉग वैसे भी आप लोग देख लेंगे, मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं किया क्योंकि सारे रो रहे थे, मतलब मामू भी रो रहे थे, चाचू भी रो रहे थे, सब मिस कर रहे। हाँ, सारे रो रहे थे तो मुझे भी ऐसा रोना आया, मेरी आंखें नाक सारा कुछ कल तो सारे सूजे। लेकिन आज मैंने सुबह से कंट्रोल किया हुआ है कि भाई नाक आंखें, बाबा ने और मैंने सख्ती की है, खबरदार नहीं रोना क्योंकि मेरी ना तबीयत भी खराब हो गई थी आज, मुझे बुखार हो गया था। मैंने कहा अब नहीं, बाबा ने कहा आज एयरपोर्ट पे कोई रोया तो मैं वहीं पे सबको कर दूंगा। मैं कंट्रोल मेरे अंदर है रोने का, हमारे सारे रोते हैं जब गले लग के फिर मुझे रोना होता है। मैंने बाबा कहते कोई ना मिले अगर रुलवाना है तो। हाँ, बाबा ही कहते, लेकिन नहीं ये खैर, अब अल्लाह खैर करेगा, अब आज बस इंशाल्लाह। हाँ, रात को इसकी फ्लाइट है 11 बजे मुल्तान से। बाकी आप लोग मेरे ब्लॉग में देखेंगे और मेरे अम्मा अब्बा सारे भी। हाँ, आजकल गाइस इसने फुल एक्टिंग मचाई हुई है, इसको देखते रोने शुरू कर देती है। एक्टिंग नहीं होती भाई, बहुत दुख होता है भाई। किस बात का दुख, तू अच्छी जगह जा रही है पाकिस्तान से, मैं होता ना तेरी जगह पे मैं, जाओ भाई रोता रहा जो मर्जी, मैं हंसी खुशी था जाओ बेटी। आजकल जो पाकिस्तान के हालात है ना, हर बंदा यहाँ से भाग रहा है। लेकिन होता है मामा, लेकिन आपके बगैर तो उदास होगी ना, आप भाई हो। देखिए एक जमाना था जब मोबाइल नहीं होते ये चीज। हाँ, ठीक है, आज तो उस जमाने में भी लोग, हम आंटी आलिया से, हमें अभी तरीके से आंटी आलिया हमारी खाला बारी बड़ी बाहर होती थी, हम उनसे बात करने के लिए याहू के ऊपर बात किया करते थे, वो भी 10 मिनट बात हुआ करते थे। ठीक है, अब तो आप दिन रात व्हाट्सएप के ऊपर रबते में हो। बिल्कुल, ये कि फासले बहुत कम हो गए, कम क्या हो रहे ही नहीं है ना। आप वीडियो कॉल पे डेली बेसिस पे आपकी बात हो, हर टाइम आप मैसेज पे रबते में रहो, इंस्टाग्राम पे एक दूसरे की स्टोरियां देख रहे हो। ये है भाई बहादुर भाई, बहन को हौसला देने वाला भाई। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है, दोनों ना दोनों बचा। अब उधर कल भी कह रहा था सबको कि क्यों रो रहे हो सारे यार, हंसी हंसी सबको खुशी खुशी भेजो। बाबा भी ये कह रहे थे, बाबा को भी गुस्सा आ रहा था, हंसी सारे खुशी खुशी रोना धोना मचाया हुआ है। चलो भाई यार, बात इतनी थी, अच्छी बात नहीं होती इतना ज्यादा रोना। नहीं, अच्छी बात नहीं होती, घर के अंदर अजीब सा माहौल बन जाता है। हाँ, पता नहीं क्या हो गया। चले आप सुनाएं, आप खुश है। हाँ तो खुश है ना, अपने ससुराल जा रही है वो, इसमें क्या। नहीं नहीं, ससुराल के लिए नहीं, उस चीज के लिए, वो जो पहले हुई है 2 दिन पहले। यार आप लोग क्यों उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, खुश होना क्या हो गया। अब सर खान की अभी तक हमने जो है ना, मैंने अभी तक दाढ़ी नहीं बनाई, आप मुझे व्लॉग ले रही हो, लोग कहेंगे दूल्हा खुश नहीं है। नहीं, मुझे आज दाढ़ी लग रहा है, ये मुझे रोज लेके निकल पड़ता, ना मुझे कटिंग का टाइम मिल रहा, ना मुझे बाल दाढ़ी बनाने का टाइम मिल रहा। सही बात है, ये तो है, टाइम निकाले ना मसरूफ आदमी। आज निकालते हैं ना, अभी आप लोगों को रवाना करते हैं ना। हाँ, अभी हमने इफ्तारी का सामान भी लिया है, फ्रूट्स वगैरह खत्म थे वो मैंने परचेज कर लिए हैं, और कुछ और सामान। आपने शूज लेना है, मानो ने ना शूज लेना है रास्ते के लिए, थोड़ा सा ना कम्फर्टेबल शूज हो, मुझे ना जॉगर्स ठीक है, इजी होते, रिलैक्स होते, लेकिन इतना टाइम मैं बंद पाऊँ मैं नहीं। नहीं नहीं, मैंने भी एक कंफर्टेबल कोई सॉफ्ट सा शूज लेते हैं, बिना ऐसे मेडिकेटेड टाइप लेना है। हाँ, लेकिन थोड़ा स्टाइलिश भी हो लेकिन सॉफ्ट हो, तो ताकि अगर मेरे मतलब पाँव को हवा भी लगे। हाँ, ऐसा ना हो क्योंकि लंबी फ्लाइट है कुछ, तो बस 3-4 घंटे होती है, तो समझ में आता है कि भाई चलो हाँ आप चल जाते हैं, आपके जॉगर्स 3-4 घंटे आराम से चलते हैं, लेकिन इसमें लंबी फ्लाइट में मुझसे नहीं होगा हैंडल। बिल्कुल, तो चले अभी चलते हैं, इसके शूज लेते हैं, और मोबाइल का प्रोटेक्टर था कोई वो भी लग गया, सारे काम हो गए हैं, बिल्कुल हर चीज डन है, वेट भी हो गया है मानो के जो बैग्स हैं उनका भी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल है। बस अब घर चलेंगे, अफ्तारी करेंगे और उसके बाद मानो को रवाना करेंगे, बल्कि एयरपोर्ट भी जाएंगे। तो चलें अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं।
और यहाँ पर शोर मचा हुआ है। इधर ना ईद का इतना रश है, पीछे आपको आवाजें आ रही होंगी, ये सारी ईद की तैयारियां हैं। और ये स्टाइलों का जो पूरा स्टोर है ना वो फुल है। और यहाँ पे जूता पसंद आ गया हमें, एक प्यारा लग रहा है। चल के दिखाओ, चल के दिखाओ कैसा है, अच्छा है। नहीं नहीं जाओ, बहुत प्यारी है मानो, आगे मानो सामान आ रहा है, में भी काम आएगी गर्मी में, जाओ सुनी ना पहनती रहेगी, बैग देखना कोई। चलो जी, जूता भी हो गया और इतना कोई रश स्टाइलों में, कितना रश था मानो, ईद का बाजार है और बहुत रश है। अगर बाहर देखें ट्रैफिक जैम, पार्किंग भी नहीं मिल रही किसी को, पार्किंग नहीं मिल रही, इतना रश है। अभी तो आज मानो जा रही है ना, फिर खैर से ये चली जाए, अभी तक हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट नहीं की ईद की, अब हम बाद में करेंगे किसी भी। हाँ नहीं, गर्देसी मार्केट में नहीं है, उधर जहाँ लेंस एनको वाले बैठे हैं ना, उस उधर ही लेना है, इसके लेंस वहीं मिलेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको, वेलकम टू मम्मा व्लॉग्स। तो अभी जी क्या नाम है, मासमानूर के एयरपोर्ट जाने की तैयारी है, सारे घर वाले जो सेंटे हुए में, ये मानूर का सामान पड़ा है, सामने बाबा बैठे हैं और मम्मा बहुत ज़्यादा सेंटी हैं, मानूर ने रो रो के हालत पतली की हुई है। और ये मलाइका उतर रही है ये, और मैं अभी जा रहा है महानूर के लिए, रस्ते के लिए कुछ लेने के लिए, रस्ते से कुछ खाने पीने के लिए, नेक पिलो लेना है उसका, और उसका कोई वो खाने पीने का सामान लेना है कि वो रस्ते में खा पी के जाएगी ना। दादी ये भी, इनको हमने कहा तैयारी करे लेकिन ये तैयारी नहीं कर रही, क्योंकि अम्मी बहुत उदास है, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। अच्छी बात जा रही है, मैं नहीं रोता, टेंशन लो आज। ये महानूर बहुत, अभी ये मेकअप इसका भयगा एयरपोर्ट पे, कपड़े वैसे क्या पहने हुए, थाईलैंड जा रही है देख को नजर लग गई बैग को, ये बैग उठो। हाँ जी, हाँ जी, क्या आपके तासुरात हैं, उदास खुशी, खुशी उदासी हर चीज मिक्स है, तुम दोनों ने सेम क्यों पहने हुए, तू भी थाईलैंड जा रही है। हाँ तो भाई अभी मैं और मलाइका जा रहे हैं, ये मलाइका बाहर मेरा वेट कर रही, हम जा रहे हैं फ्रेश को बेकर तक, और क्या नाम है, हम जा रहे हैं फ्रेश को बेकर तक, बैठो, ये भी व्लॉग कर रही है आज। Yes. आज चमत्कार हो गया, आज मलाइका भी व्लॉग कर रही है, आज ये भी चमत्कार हो गया, पूरा व्लॉग कर रहा है। हाँ ये भी चमत्कार ही हुआ कि तुम व्लॉग कर रहे हो, मैं व्लॉग कर रहा हूँ। Yes, हम जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, और आज हम दोनों व्लॉग कर रहे हैं, ये भी व्लॉग कर रही है, मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ, देखो कितने अजीब सीन है, सारे फैमिली ब्लॉगर उधर ब्लॉग, अंदर मानूर ब्लॉग बना रही है, शुक्र है मम्मा नहीं बना रही क्योंकि मम्मा का ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। अब ज़ैनब खतीजे को पहले लेना है, बाद में ज़ैनब खतीजे को लेके चलते हैं, उनको साथ भी ब्लॉग बनाते हैं। पहले हम उठाते हैं रोटियाँ रोटियाँ उठा के, क्योंकि हमारे जो बाबा हैं वो रोटियाँ जो ऑर्डर दे आते हैं वो तीन तीन घंटे रोटियाँ होटल में पड़ी रहती हैं, और फिर तीन घंटे बाद बाबा को याद आता है कि क्या नाम है, रोज के हमारे घर में रूटीन है कि रोटियां ऑर्डर देख के आए तो रोटियां उठा लेना। तो अभी निकलो, अभी गेट के ऊपर ही आया है, ऑर्डर की थी क्या नाम है वो, कि जो है वो रोटियां जो है वो उठवा के लानी है, तो अभी जो है हम रोटियां उठाते हैं पहले, बल्कि नहीं रोटियां हमें से ज्यादा खुदीजा को उठा के उठा सकते हैं, तो मसला नहीं है, तो बस यही सारा सीन वगैरह चल रहा है। हाँ जी, ज्यादा खुदीजा को लेने आ गए, आ जाओ भाई बाहर, सारे ब्लॉग सेम समझेंगे, आप अंदर जाओ इनको लेके आओ, इनको को बाहर आओ फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। मलाइका गई है ज़ैनब खतीजा को लेने, और भी हम यहाँ से ज़ैनब खतीजा को लेके आगे जाएंगे फ्रेशको पे, फ्रेशको बेकर्स है वहाँ का ना, मतलब खाना पीना बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ से कुछ सैंडविचेस वगैरह पकड़ेंगे महानूर के लिए, और क्या नाम है उसके लिए कोई नेक पिलो है वो लेना है, वो लेंगे, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है, अभी एयरपोर्ट पे रोना धोना चलेगा। ये आ गई है खतीजा आ रही है, और ये आ गई है ज़ैनब, वो सामने आंटी निकल गई खड़ी। हाँ जी, हाँ भाई जनाब, क्या तासुरात है मानूरा पे आज आपकी जा रही है, हैं सैड मोमेंट किस लिए भाई, खुशी का मोमेंट, मतलब वो तो है ना, मिक्स फीलिंग्स है ना, मिक्स फीलिंग है, ये कोई पागल आदमी गाड़ी बड़ी गंदी तरीके से भगा के आ रहा है,
कॉलोनी में इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। खतीजा का क्या हाल है, हैं? खतीजा का क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? तबीयत से फिट है। दोस्त ने आके सरप्राइज दे दिया खतीजा को, आज सरप्राइज दे दिया उसकी दोस्त ने खतीजा को। देना था लेकिन वो क्या होता है उसकी बोर्ड की पेपर से। देखो खतीजा को जिंदगी में पहली दफा बर्थडे सरप्राइज हमने दिया था। तो मामला अब ये है कि जी क्या नाम है, खतीजा को भी फ्रेंड ने बर्थडे के एक महीने बाद सरप्राइज दिया है। वो सरप्राइज तो ना रह गया ना फिर, ये तो प्रैंक हो गया आपके साथ। सामने रेड गाड़ी खड़ी है, जैनब के कपड़ों से बहुत मैच करते हैं। हाँ तो भाई मसला ये है, जैनब को ड्राई शैम्पू चाहिए। अब जैनब कहते हैं जी ड्राई शैम्पू चाहिए। मैंने पूछा जी वो क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। हाँ तो बाल जब ऑयली हो जाते हैं तो मेरे एक दिन बाद हो जाते हैं। हाँ तो बेहतर ये बंदा नहा ले ना डेली, तो बंदा डेली नहा ले। अब गाड़ी गाड़ी में आते ही बैठी हो रहा है, मैं कहूँ जैसे अजीब सी स्मेल। मैंने कहा शायद दरवाजा खुला बाहर से आ रही होगी। अब समझ में आई है कि जैनब के बालों की है। इसको समझाएं कमेंट में आप लोग कि इसको जो है समझाया जाए कि क्या नाम है वो। ड्राई शैम्पू तो होता ही है। आप जो है वो डेली नहा लें, लोग नहाते ही नहीं है इसलिए ड्राई शैम्पू। हाँ जी, तो ये रोटी वाला होटल है जिसमें हमें रोटी उठानी है। अंकल कोई ना कोई जुगत मारेगा। मेहरबानी है, ठंडी हो गई होंगी अब तो। कोई बात नहीं, हम ठंडी खा लेंगे, तू खुश रह। हाँ तो यार अभी जो है मलाइका जैनब और खतीजा गए हैं ये फ्रेशको पे अंदर, सामने फ्रेशको बेकर्स, ये कोई महानूर के लिए खाने पीने के लिए गए। मैंने कहा मैं नहीं जाता, तुम लोग जाओ, क्योंकि पार्किंग का यहाँ पे बहुत इशू होता है आजकल, रश बहुत ज्यादा है। ईद करीब है ना, तो रश बहुत ज्यादा होता है। तो फिर वो पीछे भी अभी वो नो पार्किंग लिखा हुआ था, तो वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं। तो अभी तो खैर मैं तो पार्किंग में हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी वो गार्ड ने कहा है कि आप यहीं बैठे रहें कि क्या नाम है भाई, अगर हटानी वगैरह पड़ जाती, क्योंकि और लोगों की भी गाड़ी आगे पीछे खड़ी है ना, तो इस वजह से। अभी ये लोग गए हैं, तो ये लोग आते हैं तो फिर इनसे पूछते हैं कि ये लोग खाने के लिए क्या लेके आए हैं। ये देखो मलाइका आ गई, जैनब भी आ गई। क्या ली है? सैंडविचेस, पैटीज। चलें चलें चीज़ अप, चीज़ अप। अब वो तकिया लेना है? हाँ तो लेना है ना तकिया। तकिया वैसे यहाँ से भी मिल जाता? नहीं मिलता। मिल जाता वैसे? मेरे को व्लॉग करने दो ब्रो, व्लॉग करने दो। लोग ऐसे देख रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, जूबा चल रहा हूँ। भाई हाथ क्यों आगे आगे कैमरे के? ये कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। हाँ भाई क्या लिया खाने के लिए? पैटीज लिए हैं, दो सैंडविचेस। अच्छा खाली हुए पड़े थे, कुछ था ही नहीं। सारे इफ्तारी के बाद ले जाते हैं ना लोग। पिज्जा वगैरह इनका फेवरेट है, तो उसी तरह ले लिया पिज्जा। सैंडविचेस वगैरह कुछ भी नहीं मिले? लिए दो सैंडविचेस लिए। कितनी अंडा लग रही है तू? तो किसने कहा मुंह पे फ्लैश मारो मेरे? तो बंदे को ऐसे तैयार होना चाहिए कि फ्लैश से भी बंदा कुछ लगता है। कुछ भी कर लो फ्लैश मारो तो बंदा अंडा लगता है चिट्टा। ओके हाँ जी, तो भाई हम घर आ गए हैं। खदीजा कुंडी लगा, मैंने सामान पकड़ा हुआ है। महानूर फिर रोने शुरू। सामने मम्मा बैठी हैं, मम्मा का चैनल है। आप लोग इन खातून को तो जानते ही होंगे, इन खातून को तो आप जानते ही होंगे। ये खातून आज बहुत उदास हैं, आपको शक्ल बता रही होगी। मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। नहीं रोने लग रही नहीं, अभी देखना एयरपोर्ट पे। भाई खुद ही रो पड़ता है। मम्मा नानू पे गई है, मत रो। तो मेरा ना कंटेंट चोरी कर रही है। अबे हट, आप लोग क्या करोलाद हो गए? नहीं रो रहे, आप इंट्रो दो ना, मुँह छुपा रही हो ना व्लॉग में। आज अब उधर व्लॉग कर रहा है क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल आज हिम्मत नहीं है। हाँ गाड़ी ठुकती थी आज, अभी गाड़ी ठुकती थी। पता नहीं वो ट्रैफिक ज्यादा है ना, नहीं टच हुई है, ढक की आवाज आई है। मैंने कहा बात, अंकल ने मारा थप्पड़। अंकल सॉरी, बेचारा शर्मिंदा होकर चला गया। आगे जो मैंने कहा उसका नुकसान नहीं हुआ, इसलिए वो चला गया। फिर भी बाबा किचन में क्या कर रहे हैं वो खड़े? बाबा शेरों का खाना, रोटी ले आ गए हैं, रोटियां ले आए हो? रोटी आ गई है, रोटी यहीं पड़ी हुई। हेलो कबीर,
कबीर ने मुझे गिफ्ट दिया है ब्रेसलेट, जबरदस्ती काम की गई है, कोई नहीं जा रही आपकी सिस्टर, दोनों बड़ा रो रहे हैं, मानो की रुखसती पे आज कैसे रोगे बताओ, रियल रुखसती तो आज हो रही है ना, देखा है आज हम नहीं रोएंगे। अच्छा आज मल्ला लगे क्योंकि ये इतने बुरे लग रहे थे ना रोते हुए, मैंने कसम खा ली कि नहीं रोएंगे। ये साजिद आंटी हैं, साजिद आंटी जो है ठीक ठाक, सलाम दुआ कर लें, अच्छी लग रही है, वाइड एंगल वाइड एंगल से बंदा स्मार्ट लग रहा है, फिट। आप अपने तासुरात बताएं, कोई तासुरात नहीं है मेरे पास, मानो तब थी, मैं इस चीज को क्लियर करूं कि जब मेरे पास कोई नहीं था, मानो रास्ता मेरे पास तब थी जब मेरी मेरे फादर की डेथ हुई, आंटी साहिदा इमोशनल हो गई, इमोशनल मेरे मेरी बहन की जब डेथ हुई तब मेरे पास मानो, और रातों को जब मैं उठ के चीखती थी रोती थी तो मेरे पास आके कहती थी मैं हूँ, मुझे तसल्ली देती थी, आज तो मुझे तसल्ली देती थी, मेरे फादर के टाइम मेरी बहन के टाइम ये दो चेहरे मेरे सामने थे, और कहते हैं दो चेहरे नहीं बोलते, जो आपके दुख में आप पे हंसे आपको मजीद झिझ और तंग करे, और वो चेहरा जो आपको बहुत ज्यादा प्यार दे, दोनों बहनें जो है वो, और ये फुल इमोशनल हो गई हैं, ये बहनों वाला मेरे साथ बहुत और बेलॉस, मुझे ऐसा लगता है मैंने इसका बहुत कुछ हक अदा करना होगा, लेकिन इसने मेरे साथ बेलॉस किया, इसने और मंसूर भाई कबीर के तासुरात भी बहुत इमोशनल लोग हैं, लेकिन हमें रोना नहीं है, अभी मूवी आई है शादी की, हम बहुत भैड़े लग रहे हैं, इसलिए रोना नहीं है, इतने मोटे मोटे लग रहे हैं, वही मैंने भी यही बात कर रहा हूँ ना, उसके बाद उम्र नहीं हो तो ये हम जी एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे हैं, सारे रेडी हैं, सब जा रहे हैं, ये आंटी साजिदा भी जा रही हैं, आंटी साजिदा के पास ये बैग भी है, ठीक है, वो कबीर साहब ये भी रखवा दो ना बैग, इधर देखो ये भी उधर डाले में रखवा दो ना, इसमें कोई पैसे वगैरह तो नहीं है हैंड बैग में, ठीक है, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, ताले कबीर बैग तो उतरवा दो, मानो मानो को लेके मेरपुर आ चुके हैं, आंटी साजिदा बहुत परेशान है, और ये कबीर शोखियां मारते हुए, ये हमारे मुल्तान का एयरपोर्ट है भाई, ये मुम्मा है, मुम्मा फुल इमोशनल हुई है, रोना बिल्कुल नहीं है, रो के नहीं भेजना, बाद में रो लेना, खबरदार मुझे किसी ने ऐसे रोते हुए देखा, खबरदार कोई रोया, मेरी धार निकल जाती, शामिर को देखो है? वो देखो शामिर अपना व्लॉग किया, फिर मानो रो रही है, मानो रोते हुए, जी रोना नहीं है, खुशी खुशी जाना है यार, क्या हो गया, इनको ना रिलैक्स करे, खुशी खुशी जाए, ये आंटी रमशा गजरे लाई और एक गजरा नीचे गिर गया, ये वाला मेरी तरफ से, सारे पहनो, मानो की जो है अनाउंसमेंट हो गई है, और मानो जो जा रही है, रो क्यों रही है पागल, हाथ जाना है वापस अगले साल, अम्मी आ जाए फिर जाओ, मानो ये क्या तरीका कार चल रहा है, तीन लेडीज खड़ी हैं, मैं रो थोड़ा सा ताकि मैं वीडियो कैसे कैप्शन लगा दूंगा कि मानो बहुत रोई है, मैं बहुत संभालने की कोशिश कर रही हूं, नेचुरल तुम बैठ के
मेरे मुंह पे हाँ भाई कमेंट्री में करते ही आ रहा हूँ काफी देर से, तू देख रहा कल व्लॉग मानो तो भाई मैं तो नहीं रोने वाला। ये हमारी खुशी भेज रहे हैं, हम खुशी खुशी भेज रहे हैं, इतने बुरे लगते हैं असल में, खुशी खुशी तो भेज रहे हैं लेकिन हम रोते हुए बुरे बहुत लगते हैं। बोल के स्कीमें खोल रहे इन्होंने किसी व्लॉग में डाल दिया, हाँ मुझे लग ही रहा है। अच्छा ठंडे हो जाओ। अच्छा वो मूवी देखी है ना, मूवी में देखी है ना शादी की, गंदी मैंने कहा आंटी साजिदा आ जाएगी, वो क्या हो गया इधर देखो यार, इमोशनल सीन चल गया, ज़ैनब परेशान, पीछे बाबा परेशान। चलो जी बेहतरीन तरीके से एक सेल्फी मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है ओके। रोना बंद कर पागल, और उन्हें कैमरे ऐसे कोई सेलिब्रिटी जा रही है कैमरे चेक सारे ने कैमरे पकड़े। अच्छा ओ ओ रोना शुरू के बाद अब हम एयरपोर्ट पे भूख लग गई है और हम पिकनिक बना रहे हैं एयरपोर्ट पे, वो सामने ये सारे सामने बैठे हैं। अब बना लो वीडियो। हाँ जी तो ये मम्मा जी ये जी गाइस व्लॉगर अब उधर इमोशनल सीन्स के बाद पिकनिक बनाते हुए कहो प्राइस गर्मा गर्म। आपको आइसक्रीम लेके दी है ना, अब वो खाओ शाबाश, ये लो चख लो खाने लायक है, ये बहुत मजेदार फ्राइज है। और लेने ला दूं, पकड़िए पकड़ना बॉक्स तुम्हें, उधर मम्मा को भी चखा दे मैकीज वालों के। और नहीं तो जी मानो चली गई है फाइनली, और हम लोगों ने सैरी भी कर ली है, अभी 4 बजे का टाइम है, वॉकी कर रहे हैं। अब हम वॉक कर रहे हैं और मानो को मिस कर रहे हैं, मंसूर हमारे साथ हैं। बारिश हुई है अभी जबरदस्त, हाँ वेदर इतना मजे का हो गया। उई बिजली चमक रही है, नहीं चमक रही हल्की बारिश हुई नहीं देखो ना कितना रोड सारा गीला है, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन हुई है, मौसम अच्छा हो गया। तो मैंने कहा चले अपना व्लॉग का एंड कर ले, क्योंकि सारा व्लॉग अब उधर ने किया है, मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, ना ही मेरा दिल ऐसे उदास था काफ़ी ज़्यादा, आप समझ सकते हैं। तो इसके साथ करते हैं अपने व्लॉग का एंड, ठीक है।
मंसूर साहब आपके क्या तासुरात हैं? व्लॉग एंड करो मेरे भी। नहीं आप उदास तो नहीं है? उदास हूं आज। मंसूर बहुत रोए हैं। फर्स्ट टाइम मैंने मंसूर को इतना रोते हुए देखा है, है ना? सारे के सारे रोते रह गए। जाके इंस्टा पे रील देख लें, आपको पता चल। हाँ जी, और मानो वही मिस यू। देख हम वॉक कर रहे हैं, आज तू हमारे साथ नहीं है लेकिन आएगी तू इन नेक्स्ट ईयर रमजान में हमारे पास, है ना? पता ही नहीं लगना एक साल का, है ना? इंशाल्लाह खैर से जाए, खैर से खुश रहे हमेशा, हम सबकी दुआ है। इसके साथ ही क्या करना है हमने? अल्लाह हाफिज। बाय बाय। को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अल्लाह हाफिज। ओके जोर से बोलो, इतना आस्ता। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। मोहल्ले वाले भी करो। तो मोहल्ले वाले भी करेंगे ना सब्सक्राइब, इनको भी जगा के सो, जैसे वो सारी के टाइम कहते ना रोजेदार हो अल्लाह के प्यारे उठ जाओ, तो आज हम कहेंगे रोजेदार हो अल्लाह के प्यारे चैनल सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।